आज की वीडियो नरेंद्र मोदी वर्सेस डॉक्टर जाकिर नायक, इन दोनों लोगों की है। तो आज देखते हैं इन लोगों में आपस में क्या बात हुई है, और इसका जो भी सारांश होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हाँ, तो हम आज की इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं, और आप साथ बैठकर इस वीडियो को देखते रहिए, और जो भी कुछ हम देखेंगे रिएक्ट होगा वो आपके सामने। ठीक है। इस्लाम के प्रचारक डॉक्टर जाकिर नायक, क्या आप जानते हैं कि जाकिर नायक है कौन? डॉक्टर जाकिर नायक, वेट फॉर आवर शेफ, डॉक्टर जाकिर नायक। क्या जलवा है जाकिर नायक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है, मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई हैं जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ आपके थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ। ओह माय गॉड, इतनी भीड़। मुझको अल्लाह तबारक तआला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्ला धीरे सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शन दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था। और अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह तआला, जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कन्फ्यूज़न था वो सारा दूर हो चुका, तो आप मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट हैं। भाई कितनी भीड़ है यहाँ तो, बहुत ज्यादा जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई लोग आ रहे हैं, आए हुए हैं बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल नेगलेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते हैं, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। अरे वाह, ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और बेस्ट ऑफ लक भाई, क्या बात है। चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था, जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफी थी। माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहाँ पे हूँ ना वो कुछ भी नहीं है, असल जिंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो 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 कुछ भी सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी के दायरे में, लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नाकस्य प्रतिमास्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 30 करोड़ देवताओं को मानते हैं। दम है भाई बंदे की बात में, शब्दों में जान है यार। वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? फिर ना जाए, अगर कोई मुसलमान गलत करता तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, वेल। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा, मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने पीस टीवी का पैगाम जो नक्सल में दिया
लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया और अलहमद जो भी आपने कहा माशाल्लाह और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका माशाल्लाह आपने कहा कि आप ये खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं, बिल्कुल आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर विद योर हार्ट माशाल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रख लिए पीस टीवी से माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु व रसूलु। माशाल्लाह आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है और पैगंबर है। माशाल्लाह मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया। अल्लाह सुभानहु व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसनतन अज़ाबिन नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन। क्या बात है, बहुत सही। तो आज की वीडियो जो है हमने देख ली है और इसको देखकर काफी कुछ जो है हमने जाना। जो इसमें लड़का कह रहा था कि हमें जो है इस्लाम कबूल करना है, इसमें किस तरीके से करा तो बताओ आप, उसने जो है क्या बताया इस्लाम के बारे में और क्या उसने सही करा था, क्या सोच थी? जो उसकी सोच थी और जो उसके अंदर जज्बा था तो मुझे देख के बड़ा ही उसके ऊपर गर्व है कि उसने एक सही निर्णय लिया। मतलब और जाकिर नायक जी ने भी उसकी बातों को खूब सराहा है और उसके बाद उसने सारे भेदभाव जाति बात छोड़ के और उसको कबूल किया है इस्लाम को। सही है, तो जो है उस बंदे को जो सही लगा उसने वो करा। और आप हमारे इस चैनल पर इसी तरह बने रहें, आपको नए नए लोगों से मैं मिलवाता रहूँगा समय समय पर। और आज की इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।